ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा सा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहां ईडी, कहां सी भी है? ईडी इसी में घुसने की हिम्मत है क्या? तो इसलिए बड़ी बड़ी बात ना करे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ईडी सीबीआई जो भी हो। बीजेपी पार्टी रोहिंग्या रोहिंग्या चिल्लाते चिल्लाते इसके नया तरीके से ध्रुवीकरण की सियासत करना शुरू कर दिए। इतना दिन कहां थे आप लोग? इतना दिन हिंदुस्तान की सरस मतलब गृह मंत्रालय कहां थे? गृहमंत्री क्या कर रही थी? आज आपको सारे पता चल गया कि इतने सारे रोहिंग्या है। रोहिंग्या जम्मू में है, रोहिंग्या दिल्ली में भी है। आप खुद कुछ कर नहीं पाए, अभी इस गर्म माहौल को देखते हुए फिर ध्रुवीकरण की सियासत शुरू कर दिए हैं। अरे लुकआउट किसके खिलाफ करोगे? लुकआउट जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ करो।